नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा को बड़े राज्यों में पहला और छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिलने पर मंगलवार को चंडीगढ़ में मौजूद मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि एक ओर जहां कोरोना महामारी के चलते विकास कार्य व अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी इस उपलब्धि के लिए सीएम को बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, और उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया और पूरी सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। और बड़ी स्टेट में तो हम पूरे देश में नंबर वन पे आए हैं, छोटे में मिजोरम हमारे से दो अंक आगे रहा है, लेकिन वो बहुत छोटी स्टेट है, बहुत अच्छा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रदेश से रिजल्ट आए हैं, जो विकास हैं, जो रिजल्ट हैं, और मैं मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने जो विकास के क्षेत्र में है प्रोग्रेस कर रहा, हर क्षेत्र में जो उन्नति के मुकाम पर है, इस बात की मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। नीति आयोग का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब बड़ी स्टेट में हरियाणा एक नंबर स्टेट पे आया। इसके लिए हम जितने साथी आज चंडीगढ़ में थे कैबिनेट के, हम सब मिलकर सीएम साहब को बधाई देने आए। दूसरा जो पीएम साहब ने करा है, कल जो घोषणा करी है उन्होंने 18 साल के बच्चों पर, वो उसके लिए भी हम बधाई देने आए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सीएम को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है, जिससे पंचकूला का निरंतर और समान विकास सुनिश्चित होगा। देखिए, आज तो मैं समझता हूँ कि पंचकूला के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन पंचकूला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। और पंचकूला अब फरीदाबाद गुरुग्राम के बाद तीसरा जो पंचकूला शहर है जिसका विकास एक योजनाबद्ध तरीके से इंटेग्रिटी डेवलपमेंट प्लान जो है बना है। और पंचकूला मैं समझता हूँ कि अब ट्राई सिटी के अंदर, क्योंकि हमारा जो हमेशा मुकाबला रहा वो ट्राई सिटी के अंदर रहा, पहले किसी कारण से पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला को आगे बढ़ाने के लिए, पंचकूला को तरक्की के लिए योजनाएं दी हैं, और आज जो ऐलान किए हैं जिस प्रकार से, चाहे वो टूरिज्म में, चाहे एजुकेशन में, चाहे वो हेल्थ के अंदर, सड़कों के अंदर, तो मैं समझता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। और दूसरा जो हरियाणा प्रदेश विकास की दृष्टि से, हरियाणा प्रदेश जो है बड़ी जो प्रदेश है उनके अंदर नंबर एक आया है, जो नीति आयोग ने जो फिगर्स जारी की हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के काबिल हैं कि उन्होंने एक सभी को साथ लेकर के हरियाणा को आगे बढ़ाया। बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में जहां विभिन्न प्रदेशों में विकास की रफ्तार धीमी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा को बड़े राज्यों में पहला और छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिलना निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।